हेलो दोस्तों, देख सकते हैं हमारे पास ये 30,000 एमएच की बैटरी है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट से हम डायरेक्ट सप्लाई, 12 वोल्ट डायरेक्ट यहाँ पर सप्लाई देंगे और यहाँ से 3 वोल्ट निकालेगी। देख सकते हैं सर्किट हमने ऑनलाइन परचेज की है। हम इसका पावर बैंक बनाने वाले हैं, पूरा वीडियो देखें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कहाँ से कहाँ कनेक्शन देना है, कहाँ से सर्किट खरीदनी है। अगर आप भी सर्किट खरीदना चाहते हैं तो हम कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम आपको बताएंगे कहाँ से खरीदनी है। 250 रुपये मुझे सर्किट पड़ी है, ये वाली 250 रुपये में सर्किट मिली है। देख सकते हैं दोस्तों, अभी हम ग्लू गन से सर्किट को चिपका रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हम थर्मोकोल वगैरह डाल के पैक कर देंगे या कागज़ वगैरह रख देंगे, इसकी वजह से बैटरी हिलेगी नहीं। और ये देख सकते हैं बारह वोल्ट BMS है। 12 वोल्ट की बैटरी बनानी हो तो ये BMS लगाना ज़रूरी है। देख सकते होंगे दोस्तों, चारों तरफ से ग्लू गन से हम सर्किट को पैक कर रहे हैं, सर्किट हिले नहीं इसलिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये मोबाइल का कवर है, उसके ऊपर हम स्विच भी सेट कर देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, जो दो वायर निकाले ये स्विच के हैं, स्विच के ऊपर हम देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, ये वायर डायरेक्ट जो बाहर निकल रहे हैं वो चार्जिंग के हैं, बैटरी चार्जिंग करने के लिए। और ये दो वायर उसके ऊपर से दो नए लिए हैं, वो स्विच पर जाएंगे। बैटरी चार्जिंग करने के लिए सर्किट बंद करनी पड़ेगी। देख सकते हैं अब चार्जिंग चालू हो जाएगा, इसे बंद कर देंगे तो बैटरी चार्जिंग करने के लिए स्विच पर चालू बंद होगी सर्किट। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पावर बैंक कंप्लीट हो गया है, तैयार हो गया। देख सकते हैं स्विच भी लगा दी है, तो बताता हूँ स्विच। देख सकते हैं चालू हो गया है, मोबाइल चार्जिंग करके भी आपको दिखाते हैं लगा दूँ। देख सकते हैं दोस्तों, अभी आपके सामने ही मोबाइल चार्जिंग रख रहे हैं, स्विच चालू करेंगे चालू हो जाए। देख सकते हैं स्विच चालू कर दी, चालू हो गया चार्जिंग। 30,000 mAh का है दोस्तों, अगर बनाना चाहते हैं तो हमारी फुल वीडियो आने वाली है, उससे भी बड़ी, कैसे बनाना है, हमने इसका पैकिंग बनाया है, इसके अंदर पैक करके दिखाने वाले हैं। देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, पैक करके भी आपको दिखा देते हैं, इससे पैक हो जाएगा। इसकी USB रहे, ये चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग करने के लिए बैटरी पॉइंट है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।